गेम में अल मजार में आया डेवलप बाय अरारा बेसिकली गेटेड कम्युनिटी एमिरेट्स रोड है एमिरेट्स रोड से सामने शारजा मॉस्क आती है उसके फौरन बाद आप देखिए अच्छा इन्होंने ग्रीनरी बनाई हुई है रेगिस्तान में ऐसी लश ग्रीन ग्रास है। बाहर मैंने पार्किंग में भी देखा कि लोग बड़ी साइकिलिंग करके खड़े हुए थे साइकिल लेके खड़े हुए थे मतलब साइकिलिंग का एरिया लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो थी साइकिल वाले स्टैंड नहीं हो तो उसमें आए तो पार्किंग है प्ले एरिया है ऐसे एरिया है ये इनका मेन ऑफिस है सामने ये सामने गार्डन में और पीछे जो है वहाँ कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है तो ठीक है ग्रीन लश ग्रीन एरिया वॉक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्क है स्मॉल प्लेइंग एरिया है और इस तरीके से रेजिडेंसी एरिया है तो ये प्लेइंग एरिया आ गया और उसके साथ ये स्नेक ये सारा प्लेइंग एरिया है ये सारा प्लेइंग एरिया है ये सारा पानी छोड़ा हुआ इन्होंने पार्क है ये सारा और उसके आगे स्केट्स का एरिया बना ये जो है ये स्केट्स का एरिया अभी तो कोई नहीं सुबह का टाइम है इस तरह से खाली है तो शाम में तो रश होगा ये स्केट्स का एरिया पूरा आगे तक जा रहा है कहाँ तक जा रहा है काफ़ी आगे तक जा रहा है और ये इनका मेन ऑफिस है इस साइड पे ये बेसिकली स्केट्स का एरिया तो ये सारे स्केट्स का बड़ा ये वहाँ से छोटा लग रहा था लेकिन अंदर से बहुत बड़ा हो रहा था तो बेसिकली ये है गेटेड कम्युनिटी है और उसमें रेजिडेंसी रहते हैं मैंने ऐसे ही मैंने सुना तो मैंने कहा चक्कर लगाता हूँ एरिया का अच्छा ग्रीनरी एरिया बनाया हुआ है फैमिली आउटिंग के लिए इसके आसपास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है तो देखें ये सारा बस यहाँ तक है स्केट्स एरिया तो वो फिर ये मेन ऑफिस आ गया आपका ये मेन ऑफिस है तो यहाँ पे बेसिकली कोई बस वगैरह तो नहीं आती आपको अगर है तो अपनी गाड़ी में आ सकते हैं या फिर टैक्सी में आ सकते हैं कोई इनकी बस तो यहाँ पे कोई नहीं चलती तो गेटेड कम्युनिटी है बस रेजिडेंसी का एरिया उसमें एक उन्होंने बनाया भाई तो मैंने कहा बस विज़िट करते हैं तरीके से है ये प्लेइंग एरिया है ये स्केटिंग एरिया है वो पार्क है छोटा सा ये इनका मेन ऑफिस है इसके पीछे सारे वहाँ पे घर बने हुए तो अभी हम पार्क की तरफ चलते हैं ये प्लेइंग एरिया यहीं से मैं आया था तो इससे घूमते हुए पार्क की तरफ ये स्केटिंग एरिया हो गया इस तरफ पार्क हो जैसा तो मैं भी आगे चल के और बना के आपको दिखाता हूँ ये प्लेइंग एरिया और ये इनका मेन ऑफिस है पूरी ट्रीज में कवर किया हुआ पीछे स्केटिंग एरिया था लोग अभी निकल के जा रहे हैं 24 आवर ओपन होता होगा शायद ये इनका मेन ऑफिस का एंट्रेंस और बस वहाँ से लोग आ रहे हैं तो मैं तो यहाँ से भी बाहर चला जाता हूँ क्योंकि तो स्टाफ आने लग गया ना ये सारा पार्क है ये पार्क का ही यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो बस आगे उतरी है उसमें सारा स्टाफ आया भी सुबह का टाइम तो ये बस स्मॉल इतना बड़ा बहुत लार्ज एरिया नहीं है बहुत छोटा सा एरिया नीचे जो है मेरा मेन ऑफिस है और ये मैं पार्क पे चल रहा हूँ मेरे लेफ्ट साइड पे प्लेइंग एरिया और लेफ्ट साइड पे स्केटिंग एरिया और राइट साइड पर पार्किंग है और रेजिडेंसी है तो रेजिडेंसी के भी अंदर एक था जाके चेक करते हैं अच्छा साइकिल चल नहीं रहे वरना साइकिल में भी एक्सप्लोर कर सकते थोड़ा सा और साइकिल भी यहाँ पे कोई पड़ी भी नहीं है चलो जो है वो तो है ठीक है चलें फिर मैं आगे चल के कुछ और दिखता है तो मैं वो इस एरिया का भी बना के आपको दिखाता हूँ ये देखिए लैंडमार्क बना के रखा हुआ है इस टाइप का मैं आया वहीं से हूँ ये लैंडमार्क बना के रखा हुआ इसके साथ मैं ज़रा मैं आया इस तरह से हूँ आया इस तरह से हूँ मैं इस तरफ से आगे ज़रा चेक करता हूँ क्या है वो तो घास तो बड़ी गीली है और जूते जो है वो गीले कर देगी बहुत ज़्यादा चलो एनीवे कुछ करने के लिए तो खोना पड़ता है तो
इसके पीछे साइकिलिंग ट्रैक है बड़ा ज़बरदस्त अच्छे किस्म का, लेकिन साइकिल नहीं है, हम साइकिल ट्रैक को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए बड़ा लैंडमार्क है यहाँ का, और इसके साथ ही ऑफिस है। अगर मेरे पास साइकिल होती तो आई कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर मोर। तो ये बैक साइड ऑफिस पे जाके देखते हैं क्या चीज़ है। ये जो है ना बैक साइड, ये साइकिलिंग ट्रैक देखें, यहाँ से चलता हूँ आप, ग्रीनरी बनाए गए। तो मैं जा रहा हूँ बैक साइड ऑफिस के, उसमें क्या है कुछ नहीं है, तो आप देख लें सारा। ये मेन ऑफिस है, तो ये देखें कि थोड़ा सा बनाया डिज़ाइन किया और बैक साइड ऑफ ऑफिस सारा डिज़ाइन किया उसके बीच में। तो हम आगे भी कुछ बना नहीं है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन मेरे को जहाँ तक लग रहा है, जाके पता चलेगा, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अथॉरिटी पर्सन ओनली, अनऑथोराइज यहाँ पर नहीं जा सकता। तो ये आई थिंक ये बंद हो गया, बस यहाँ तक के आगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं वापस ले साइकिल लग रहा, देखता हूँ मिल गई तो सही है। वहाँ पर एक स्टैंड तो था लेकिन साइकिल नहीं थी, घूम के इधर आ गया वापस से। तो ये पूरा राउंड मैंने आपको करा दिया है, अंडर कंस्ट्रक्शन है पर इन्होंने लेकिन जितना कंस्ट्रक्शन किया उतना देखें कितना ज़बरदस्त बनाया। तो बस ये मार्केटिंग होती है कि हम लोग इसी तरीके से बाकी भी बनाएंगे, तो अब बनाते नहीं बनाते तो नहीं पता, प्लान तो मेरा यही है। ठीक है, तो बस फिर मैं आगे कोई और जगह ढूंढता हूँ, कोई मिलती है फिर मैं वापस से बना के आपको दिखाऊँ। जिनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, यहाँ से तो मैं होके आ गया था, वहीं पे स्केटिंग है, सारा स्केटिंग एरिया है यहाँ से इस लैंडमार्क के पास से। मैं चलें फिर मैं आगे कोई जगह देखता हूँ। जो है ये फूड का एरिया है, देखें 1 2 3 4 5 बने हुए हैं यहाँ पे। टिस्टा है, बूस्ट है, हॉप है, रिस्टर है और फूड भी है, पता नहीं करेक्ट नाम ले रहा हूँ, टिस्टा कबाब। तो इस तरीके से इन्होंने फूड के भी ट्रक यहाँ पे खड़े किए हैं, इनकेस आप ड्राइव थ्रू भी कर सकते हो। और ये छोटी छोटी चेयर बेंचें बनाई हुई इस तरीके से, उसमें बैठ भी सकते हो। मेनू भी इनका लगा हुआ है साथ में, अभी तो क्लोज है, सुबह का टाइम है। तो इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, ये मंकी भी है यहाँ पे, ये भी इन्होंने हर जगह टाइम टू टाइम कुछ एरिया में बनाया हुआ है। वो साइकिलिंग कर रहे हैं, ये फूड ट्रक है, साइकिल पार्क है, यहाँ पे रेंटा साइकिल भी ले सकते हैं। कैसे है मजाक, ये दूसरी साइड है फूड ट्रक की, इधर भी दो बने हुए, ये पांडा भी होना। तो साइकिल यहाँ पे नहीं मिली है, तो अभी यहाँ पे ऐसे में साइकिल का ज़्यादा मज़ा है इसमें। ट्रैक जो बनाया है ना उन्होंने, अभी वो पता नहीं कितने की देते हैं साइकिल, सामने शॉप तो है साइकिल की लेकिन पता नहीं है कितना ये चार्ज करते हैं वो लोग। एनी इन्फॉर्मेशन तो लेते हैं उस, फिर देखते हैं लेट्स सी। ये बस ये फूड कोर्ट पे वहाँ पे की जो है साइकिल भी होती है, यहाँ पर लिखा बाइक ट्रेक, पूछ लेते हैं उससे और क्या करें। मेरे ख्याल में रंडा नहीं होती होगी लेकिन एक दफ़ा ऐसे ही घूम के चेक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखा बाइक ट्रेक शॉप नहीं लिखा, पार्किंग शॉप कैसे बना। लेकिन ये साइकिलिंग ट्रैक इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है, इसमें ये पतली पतली पगडंडियाँ भी बनाई हैं। ये कहाँ लिखा है, रेजिडेंसी के लिए बनाई गई, हाँ ये तो रेजिडेंसी के लिए, ये भी ट्रैक बनाया हुआ है। तो ये इन्होंने बनाया साइकिलिंग ट्रैक, और ये भी बनाया, देखिए ये रेजिडेंसी के लिए पगडंडी बनाई गई। तो या देखते जा रही है रेजिडेंसी के लिए, क्या बात, ये बंद हुआ यहाँ पे वॉक, क्या बात, पता वो पता ही नहीं चलेगा रेगिस्तान में ऐसे जंगल में वॉक कर, पता नहीं है रेगिस्तान लेकिन एंट्री की भी ये पता ही नहीं चल रहा हूँ। ये तो घर है इसी के, और ये फिर साइकिलिंग की वापस सेकेंड ट्रैक पर आ गया, इसके लिए वहाँ भी वॉक कर सकते हैं, लेकिन ये मेन रोड है वो थोड़ा कच्चा है, इधर वॉक करते हैं जो काम से भी लगे हैं। इस तरीके बनाए हुए हैं पतले पतले एरियाज, और ये जो है ये गेटेड कम्युनिटी है, वो कीड़ा जो है वो चढ़ गया। ये देखिए जंगल टाइप का होना है, पता नहीं तो बस हो रहा हूँ बहुत सारा, चलिए मैं आगे भी देखता हूँ। ठीक है, या करेंट सब अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा है मुझे, क्योंकि लोग काम करने में लगे हैं तो सब चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। नहीं इस तरीके से जगह भी बनाएंगे इन्होंने, विलास के फ्रंट साइड पर, ये बैक साइड पर, दोनों साइड ताकि जगह भी देख सकते हैं कि घर आते भी वाले हैं, सिक्योरिटी वाले उनको घर दिया होगा रहने के लिए। यानी देखिए इस तरीके से करके बनाया, ये है
वॉकिंग ट्रैक बनाए हुए, बाहर जो है ये सारा साइकिलिंग ट्रैक, तो ये सारे साइकिलिंग ट्रैक है। ये सेकंड ट्रैक है विला की बैक साइड पे, इस तरीके से विला की बैक साइड की उन्होंने बनाई हुई जगह, और ये जो है साइकिलिंग ट्रैक बनाया हुआ है बैक साइड पे, जो आप वॉक भी कर सकते हैं, जॉग भी कर सकते हैं और साइकिलिंग इस तरीके से। तो बड़ा जबरदस्त विला लग रहा है मेरे को तो ये, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होंगे ऑफकोर्स। बीच बीच में पार्क भी बनाया हुआ है, बीच में ये जगह बनाई हुई है। बेचारे मजदूरों ने तो पानी रखा हुआ अपने लिए, फिर छाँव में ठंडा रहे, पार्क को कनेक्शन दिए हुए तरीके से, पार्क बनाए हुए बीच में बैठने की जगह भी है। तो ये बैक टू द ट्रैक, ऐसा ट्रेल बनाया हुआ इन्होंने, पता ही नहीं चल रहा है सब ट्री स्ट्रीट। साइकिल वाले मेरे को बहुत कम दिखे हैं, पता नहीं आगे आगे निकल गया, लेकिन यार इधर तो कोई बंदा कभी भी आ जाए, लेकिन तो धूप ही नहीं, जरूरी नहीं है गर्मी में आओ, किसी भी मौसम में आ सकते हो, सर्दियों में आओ, सर्दी बास्केटबॉल का कोई बनाए कभी भी आ जाए, रूप में भी आ जाओ, मेरा नहीं ख्याल थी गर्मी लगेगी, दरहा के रखा हुआ पूरी छाँव फैसा रहा है। आगे शाह ग्रैंड रोड आ चुका हूँ, बस वगैरह यहाँ पर टैक्सी लेके आए, साइकिल पर ट्रैक बने उस गेटेड कंपनी, और आगे फिर अगर साइकिल होगी तो इजिली मुझे इधर जा सकता हूँ। चलें ठीक है फिर, नहीं जा रही ठीक है, इतना रेगिस्तान में आपको पता ही नहीं चल रहा कि यू ही ग्रीन एरिया में घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी पर फोकस कर रहे हैं। अभी जो इलाज है वो अभी तो आंटी हैंड ओवर शायद देना शुरू नहीं, कपड़े टाइम सही आपसे दूसरी वीडियो में मिलते हैं।